क्लास, दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दिया है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा था इंडस के समय में। इजिप्ट, इजिप्ट मींस होता है मिस्र, एक ऐसा कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका का, इन द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के पास। द ओरिजिन ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू 5000 ईयर्स। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का शुरुआत 5000 ईयर्स पहले हुई थी। इट मेनली डेवलप्ड अलोंग द नाइल रिवर, ये मेनली नाइल रिवर के आसपास डेवलप हुई थी। दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन इन एंशिएंट इजिप्ट, जो एंशिएंट यानी पुराने इजिप्ट में वेल्थ का यानी कि प्रॉपर्टी या पैसे कमाने का मेन साधन था। इट्स एनुअल फ्लडिंग प्रोवाइडेड रिच सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ की जो वार्षिक बाढ़ आती थी एग्रीकल्चर के लिए एक रिच सॉइल प्रोवाइड कराती थी। एंड इट वाज द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये एरिया ट्रांसपोर्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट मीन्स था। एक्सेप्ट द एरिया अराउंड द नाइल, मोस्ट इजिप्शियन टेरिटरी फॉल्स इन द सहारा डेजर्ट, तो मोस्टली इजिप्शियन टेरिटरी सहारा डेजर्ट में कवर होते थे। द इजिप्शियंस बिल्ट ग्रेट मोन्यूमेंट्स, इजिप्शियंस ने बहुत बड़े मोन्यूमेंट बनाए, टॉम्ब, टेम्पल्स, देयर किंग कॉल्ड द पेरोहा एंड दिस क्वीन वर बरीड इन ह्यूज रॉयल टॉम्ब, उनके किंग्स और क्वीन बहुत बड़े रॉयल टॉम्ब में दफनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस चीज़ के बाद हम अपने देश की सभ्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे, डिक्लाइन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, पतन हो जाना, धीरे धीरे गिरावट आना भी डिक्लाइन कहलाता है। तो कैसे डिक्लाइन हुई, द हरप्पन कल्चर बिगेन टू डिक्लाइन बाई 1800 BCE, तो 1800 BCE के समय हरप्पन कल्चर डिक्लाइन होने लगी थी। सम नोटेबल साइंस ऑफ द डिक्लाइन वर एज फॉलोज, डिक्लाइन के कुछ प्रतीक यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट वन है राइटिंग स्टार्टेड टू डिसअपीयर, तो राइटिंग जो थी वो गायब होने लगी, जो शिलालेख है पत्थरों पर लिखा जाता था वो डिसअपीयर होने लगी। सील्स एंड बेड्स वर नो लॉन्गर यूज्ड एज ट्रेड विद इजिप्ट, इजिप्ट के साथ सील और बेट अब ज़्यादा व्यापार के लिए यूज नहीं हो रहे थे। मेसोपोटामिया डिक्लाइंड, इजिप्ट और मेसोपोटामिया ये भी डिक्लाइन होने लगे। एन एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लाइनिंग ट्रेड वाज दैट इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स बिकम रेयर, तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल भी बहुत ही कम हो गया था। सील्स एंड बेड्स, ठीक आगे देखा हमने यहाँ रेयर हुआ। अब देखते हैं द सिटीज वर नो लॉन्गर वेल मेंटेन्ड, अब सिटीज भी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं रह गए थे। साइंस ऑफ सिविक डिसऑर्डर वर एविडेंट फ्रॉम द गार्बेज पाइल्ड अप टू द स्ट्रीट्स, सिविक डिसऑर्डर एविडेंट फ्रॉम द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पर गार्बेज के ढेर देखे जाने लगे। ब्रेकिंग डाउन द ड्रेनेज सिस्टम एंड बिल्डिंग अप लेस इम्प्रेसिव हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था और कम इम्पॉर्टेंट घरों के बिल्डिंग्स बहुत ही इम्प्रेसिव नहीं थी। स्कूल्स हैव सजेस्टेड मैनी रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली, स्कूल स्कॉलर्स ने, देखिए यहाँ पर स्कूल नहीं था, स्कॉलर्स स्कॉलर्स ने इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बहुत से रीजन्स बताए हैं। सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो, नेचुरल कैलमिटीज, इनमें कुछ कहते हैं कि नेचुरल कैलमिटीज कॉज्ड बाई क्लाइमेटिक चेंज, तो क्लाइमेटिक चेंज हो जाने से जो नेचुरल कैलमिटीज आई, प्राकृतिक आपदाएँ आई, मेन रीजन्स फॉर द डिक्लाइन, इसके डिक्लाइन का मेन रीजन्स बनी। द नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडेड ड्रॉट्स कॉज्ड बाई द ड्राइंग ऑफ द रिवर्स, तो नेचुरल डिजास्टर जैसे सूखा पड़ा, नदियाँ सूखने लगी, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ मेजर अर्थक्वेक्स हैव बीन फाउंड, तो ये सब मेजर रीजन्स थे कि ड्रॉट, फ्लड्स और अर्थक्वेक्स, इस वजह से ये सभ्यता डिक्लाइन हुई। आगे बढ़ते हैं, कुछ टू पॉइंट्स रिमेनिंग हैं। डिफोरेस्टेशन इज आल्सो साइटेड एज ए रीजन फॉर द डिक्लाइन, तो इस डिक्लाइन का डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों का गिरना, वनों का कटना, खत्म हो जाना भी एक रीजन था। वन मेजर रीजन फॉर द डिफोरेस्टेशन वाज दैट, तो इस डिफोरेस्टेशन का वन मेजर रीजन क्या था, वुड वाज यूज्ड एज फ्यूल फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी लकड़ी को सेकने, ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता था, एंड स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और कॉपर को पिघलाने के लिए भी। बिसाइड्स इसके अलावा क्या था, ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, जानवरों के बड़े बड़े झुंड को चराने के लिए। सीप एंड गोट माइट हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर,
तो इसलिए इन सब की वजह से ग्रीन कवर विनाश हुआ। इट अपीयर्स दैट इन द कायोटिक कंडीशंस द रूलर्स वर अनेबल टू प्रोवाइड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। और ये भी था कि कायोटिक कंडीशंस में रूलर्स एक सही प्रशासन व्यवस्था नहीं दे पाए। पीपल फाउंड डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, तो लोग इस एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे।